शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। हाँ, दादी माँ के साथ मैं चला जाऊंगा। और काव्या, तुम तो अकेले जा सकती हो ना अपने घर पे? हाँ, जा तो सकती हूँ, पर दादी माँ को इतनी चोट लगी है। अरे तुम अम्मा जी की चिंता मत करो, यहाँ पर हम सब लोग हैं ना, हम ध्यान रख लेंगे। तुम जाओ, अपने माँ पापा जी का आशीर्वाद लेकर आओ। हाँ काव्या, तुम्हारा जाना जरूरी है। हाँ हाँ, चले जाओ, बस दान दक्षिणा के लिए समय पर मंदिर आ जाना। हाँ काव्या, क्योंकि तुम्हारा एग्जाम सबसे इम्पोर्टेंट है। दादी माँ, अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा बेटा, संभल के जाना। जिस मौके की मुझे तलाश थी, लगता है वो मौका खुद मेरे पास चल कर आ गया है। अब मौके पे चौका मारना तो मेरे बचपन की आदत है। किताबों के अलावा ये कुछ और देखता ही नहीं है, इवन मुझे भी। काव्या, तुम कॉलेज आई हो, एग्जाम देने आई हो क्या? ये तो बहुत ही अच्छी बात है। पिछली बार जो दादी ने फोन पे कहा, करण सर है ना, उन्होंने सब संभाल लिया। अच्छा, अब करण सर आए नहीं? आने वाले थे पर। हाय काव्या। हाय सना। अच्छा, तुमने पूरा सिलेबस कवर कर लिया है ना? हाँ हाँ, करण सर ने पूरा रिवाइज करवा लिया। आप आई थिंक एग्जाम के लिए लेट हो जाएगा, अंदर चले। हाँ चलते हैं। दीदी, महाकालेश्वर के महाकाल बाबा का दर्शन करने के लिए पूरी तरह रेडी हूँ, है ना जीजा? बस हो गया डॉक्टर, हमें कुछ नहीं हुआ है, मामूली सी मोच है, इसलिए सब कुछ प्लान के अनुसार होगा। हम गुरुजी के पास जाएंगे, फिर दान समय पर होगा और फिर शाम को हम महाकालेश्वर के लिए निकल पड़ेंगे। देखिए, आपको तो आराम करने की सख्त जरूरत है, अगर आप चलेंगे फिरेंगे तो मसल्स टेयर होने का डर है। डॉक्टर, डर आप अपने पास रखिए, महाकाल के दर्शन के लिए हम डर साथ लेके नहीं जाते। अगर दर्द बढ़ गया तो एक पेन किलर ले लीजिएगा। थैंक यू। ये डॉक्टर बस ऐसे ही कुछ भी बोल देते हैं। लोटा जी, जाओ हमारे कमरे से छड़ी लेकर आओ। जी अम्मा। दादी माँ, ये दान धर्म बाद में भी कर सकते हैं ना? अब आराम कीजिए। हाँ माँ, करण ठीक ही तो कह रहा है। हाँ अम्मा जी, आपको तो भी आराम की जरूरत है ना। अरे अरे काव्या, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, काव्या करण प्रताप सिंह। काव्या करण प्रताप सिंह। ज्यादा नौटंकी करने की जरूरत नहीं है, और मैं ना तुम्हारे लिए वो पुरानी वाली काव्या ही रहूंगी, बदलूंगी नहीं। अच्छा काव्या, याद है जब हम करण सर को देख के आए करते थे और सोचते थे
कि किसके किस्मत में होंगे एक प्रिंस चार्मिंग? बताओ बताओ बताओ। हाँ याद है, तब भी मैं यही कहती थी और आज भी मैं यही कहूंगी कि जिसके नसीब में जो लिखा होता है ना, उसे वो हमेशा मिलकर रहता है। अच्छा चलो एक सेल्फी लेते हैं। सेल्फी तो बनती है। चलो चलो। मुझे यहाँ से जल्दी निकलना होगा, वरना कुलदेवी के मंदिर पहुंचने में देर हो जाएगी। अच्छा एक बात बता, करण सर ऐसा हस्बैंड कैसे है? कॉलेज में काम कंपोज, कम बात करते, घर पे भी वैसे ही है क्या? ठीक है, दान हम बाद में करेंगे, मगर हम महाकालेश्वर के दर्शन नहीं टाल सकते। और जब दान करना ही नहीं है तो काव्या को घर ही बुला लो। करण, करण सर का कॉल आ रहा है, मैं बाद में बात करती हूँ। लिसन, कल मैं तुम्हारे घर पे आ जाऊं पढ़ाई करने। इन किताबों के अलावा इसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, काव्या के आते ही सब भूल गया। हेलो काव्या, एग्जाम कैसा रहा? पेपर टफ तो नहीं था? नहीं नहीं था। तुम एक काम करो, कॉलेज से डायरेक्टली घर पर आ जाओ। कुलदेवी के मंदिर अब नहीं जाना है, वो दान दक्षिणा वाला काम किसी और दिन करेंगे। जी ठीक है। मेनका, ये दवाई हमें दे दो। मेनका, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? ये दवाई दे दो हमें। अरे अम्मा, गरम दूध के साथ आप पियेंगे ना, जल्दी फायदा होगा। मेनका, अम्मा के लिए गर्म दूध लेके आओ। जाओ जी, मैं अभी लेकर आती हूँ। अब मुझसे बचकर दिखाओ काव्या भाभी, क्योंकि अब मैं मौके पे चौका नहीं छक्का लगाने वाला हूँ। जी का फोन क्यों नहीं आया अभी तक? बोलो जल्दी, बोलो कहाँ है काव्या? रिलैक्स माँ, इतनी भी क्या जल्दी है? ओहो, मेरे पास मजाक का टाइम नहीं है, जल्दी बोलो। कूल, पर मेरा नाम तो नहीं आएगा ना बीच में। एंड आपको मेरी कार याद है ना? हाँ हाँ याद है, अभी कितनी बार बोलूं? अब बोलने की नहीं, देखने की बारी है। मतलब? इन्हें वीडियो सेंड कर दिया, जरा तसल्ली से देखिए। आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। काव्या, अब तो तुम्हारी शामत आने वाली है। लीजिए अम्मा जी। काव्या कब तक आएगी? बस वो आ रही है, रास्ते में। हाँ, अब तक तो उसका एग्जाम हो गया होगा। काव्या का एग्जाम? भगवान ने मुंह दिया है तो कुछ भी बोलोगी। अम्मा जी, कुछ भी नहीं बोल रही हूँ। आपको मेरी बातों पे विश्वास नहीं है ना? एक मिनट रुकिए, ये देखिए, ये वीडियो देखिए।
किसी ने कॉलेज से ये वीडियो मुझे भेजा है। चाची ये वीडियो किसने भेजा? अरे बेटा हमारे खानदान की बहू को तो सब पहचानते हैं, किसी ना किसी ने तो भेजा ही होगा। बीटीएस याद आया दीदी, एक वीडियो मेरे पास भी है। चुप, मुंह बंद। काव्या और करण के इस खूबसूरत प्यार को महसूस कीजिए और अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।